हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम चार क्वेश्चंस के साथ आए हैं। पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन रिलेटेड है, तो पहले हम पहला करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पहले खुद कोशिश कीजिए। मैं तो यही चाहूँगा, पहले खुद कोशिश कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे करने से पहले ही निकाल देंगे। नहीं तो आप वीडियो के एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को छोटा बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, पहले हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास कौन कौन है देखिए, एक तो सुदीति है, और कौन है जी, अनवी है, और कौन है, जैसिका। तीन ये लड़कियां हैं, इनमें कितने रुपए बांटे गए हैं, 1, 5, 5, 2, 5। ओके, फिर वो क्या कह रहा है कि अगर सुदीति के 22 रुपए कम किए, आइए सुदीति के अगर मैं 22 रुपए कम कर देता हूं, अनवी के 35 रुपीस कम किए और जैसिका के 48 रुपीस कम किए, तो टोटल आपने कितने कम किए इन सब के बताइए, रुपीस 105। अब वो क्या कह रहा है, अगर आपने इनके इतने इतने शेयर्स कम किए तो जो रिमेनिंग मनी है ना वो किस रेशो में बटी है, 7, 10 और 13 में। तो पहले तो हम इसमें से 105 रुपीस माइनस कर देते हैं, तो वो आ जाएगा 15420। यहां तक समझ आया। अब ये 15420 किस रेशो में बटा, 7, 10 और 13 में बटा। ठीक है जी, ये 15420 किस रेशो में बटा, 7, 10 और 13। अगर मैं इनको ऐड करूं तो टोटल आपने 30 यूनिट्स बांटा है, और क्वेश्चन में कितना बांटा है, 15420, क्योंकि 105 रुपए कम हुए थे ना टोटल। अब एक यूनिट की वैल्यू सोचो, जीरो से जीरो कट गया, तीन यूनिट 1542 के, तो एक यूनिट की वैल्यू 514 रुपए आ गई। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। तो सुदीति के 7 × 514 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 3598। ओके, और इस बहन जी के, कौन सी बहन जी, अनवी बहन जी, इसके अगर आप निकालोगे तो इंटू 514 करेंगे तो ये आ जाएंगे 5140। और जो हमारी तीसरी बहन जी है 13 यूनिट वाली, 13 × ये पंजाबी में हम बहन जी कहते हैं तो कोई इशू नहीं है, 514 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6682। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये है 22 रुपए कम करने के बाद 3598, और ये 5140 35 रुपीस कम करने के बाद है, और ये जो 6682 है ये 48 रुपीस कम करने के बाद है। अब इनको ये वापस देते हैं, सुदीति को उसके 22 रुपए वापस दे दो, दे दिए, ओरिजिनल आ जाएगा सुदीति का। और अनवी के कितने वापस दे दिए, 35 कम किए थे, और ये जैसिका दीदी के कितने वापस करने हैं हमें, 48 कम किए थे ना, ये तो इनके आगे ओरिजिनल। लेकिन लास्ट में एक बात और दे रखी है कि इनके कितने कितने बढ़ाए हैं, 16, 77 और 37, ये भी हमें ऐड करना है, 16, 77 और कितना ऐड करना है जी 37। तो जब मैं ऐड करूंगा ये 22 और 16 हो गया हमारे पास 38, और 3598 में जब मैं 38 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3636। ये सुदीति का इंक्रीज करने के बाद जो शेयर आया, इसी तरह से अनवी का जो इंक्रीज करने के बाद शेयर आएगा वो कितना आएगा बताओ, 77 और 35 को जब मैं ऐड करूंगा तो वो आ जाएगा मेरा 1152 आ जाएगा। ठीक है जी, 112 आ जाएगा, और अगर मैं ऐड करूंगा तो 5252 आ जाएगा 5140 में, जब मैं ये 112 ऐड करूंगा। इसी तरह से जो हमारी जैसिका दीदी है उनको मैं अगर मैं 85 ऐड करूंगा ना, 47 + 48 + 37 85, तो ये आ जाएगा आपके पास 6767।
अब फाइनली मुझे रेशियो निकालना है इनका, 3636 और 5252 और 6767। अब जो बच्चे मेरे से क्लास में सिंप्लीफिकेशन करते हैं बैंकिंग का, मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, अगर आपको थोड़ी थोड़ी याद हो। वो ट्रिक क्या है, अगर जब भी आपको ए बी दिखे तो वो हमेशा ए बी इंटू 101 लिखा जा सकता है। मतलब 101 ए बी फॉर्मेट का हमेशा ये एक फैक्टर होता है। नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 3636, क्या मैं इसको 3600 प्लस 36 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अगर मैं 36 कॉमन लूँ तो अंडर 100 प्लस 1 बचेगा, यानी कि 36 इंटू 101। तो ये बात प्रूव हो गई क्या कि ए बी फॉर्मेट जो होता है वो ए बी इंटू 101 लिखा जा सकता है, यानी कि 101 एक फैक्टर होता है इनका जो किस पे काटेगा, ए बी पे काटेगा। तो 36 36, 3636 किस पे कटेगा, 36 पे, और 5252 किस पे कटेगा, 52 पे, और 6767 किस पे कटेगा, 67 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 36:52:67। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले हम थर्ड करेंगे क्योंकि मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये आप माइंड में कर लीजिए। 2430 हैं, पहले के 5 किए, दूसरे के 10 कम किए, तीसरे के 15 कम किए, तो टोटल कितने कम किए जल्दी बताओ, 30 कम किए। और माइंड में ही 2430 में से आप 30 माइनस कर दीजिए तो 2400 रह जाएगा। 2400 को आप 3:4:5 में डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप 3:4:5 में डिवाइड करेंगे, और निकालना किसका शेयर है भाई, ए का ओरिजिनल शेयर निकालना है, तो 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट की वैल्यू 2400, एक यूनिट की वैल्यू 200, और 3 यूनिट की वैल्यू 600, और इसके कम भी कितने किए थे, 5 रुपये कम किए थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर 605 रुपये आ गया। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, समझ आ गया अच्छे से, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन रामा स्कोर वॉज 1/12 ऑफ सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि। तो यहां पे हमारे पास कौन कौन है, एक रामा, एक मोहन एंड अंजलि। रामा का स्कोर जो है वो 1/12 है मोहन और अंजलि का, तो मैं लिख सकता हूं अगर रामा 1 है तो मोहन और अंजलि मिला के 12 यूनिट्स है रेशियो की। फिर ध्यान से पढ़ना, आफ्टर ए रिव्यू स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 6। एक रिव्यू लिया उन्होंने, हर एक का स्कोर 6-6 बढ़ गया। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसका स्कोर 1x पहले वाला मान लेता हूँ और मोहन और अंजलि का 12x मान लेता हूँ, तो रामा का तो 6 बढ़ा और मोहन और अंजलि का कंबाइंड 6+6 कितना बढ़ेगा, 12। तो अब उनका स्कोर हो जाएगा 12x+12। और जो नया रेशो दिया हुआ है, जानबूझ के नाम चेंज कर रखे हैं, पहले अंजलि लिखा हुआ है, बाद में मोहन, और लास्ट में रामा लिखा हुआ है। कई बार ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर मैं रेशो लिखूं दोबारा, जो नया रेशो बना है, नया रेशो क्या बना है, रामा मोहन और अंजलि का, ध्यान से पढ़ने पे हमें पता लगा ये 3, 10 और 11 है, जिसमें मोहन और अंजलि का शेयर है 10+11=21 और रामा का कितना है, 3। ये नया रेशो है, तो नए रेशो के अकॉर्डिंग रामा 3 है और नया वैल्यू 1x+6 भी है रामा का, और मोहन और अंजलि 12x+12 यानी कि 10+11=21 यानी कि ये 1:7 हो गया। अब आराम से सॉल्व कर लेंगे, 7x+42=12x+12, और मुझे पता लग रहा है 5x=30, तो x की वैल्यू 6 आ गई। मतलब रामा का बिफोर रिव्यू जो स्कोर था वो 6 था, और बाद में रिव्यू होने के बाद 6+6=12 हो गया। ठीक है जी, अब 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, और अंजलि का 11 × 4 कितना हुआ फिर, 44 हुआ। तो आफ्टर रिव्यू रामा का स्कोर 12 है और अंजलि का स्कोर 44 है। हमसे पूछा हुआ है डिफरेंस, 44 - 12 कितना हुआ, 44 - 12 32। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 32।
अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि हमने 44 और 12 का डिफरेंस लिया है, यानी कि 6-6 स्कोर इंक्रीज करने के बाद डिफरेंस लिया है। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा डिफरेंस लेना है, पहले वाला या अब वाला। इस क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बताओ क्यों? क्योंकि रामा का भी 6 बढ़ाया और अंजलि का भी 6 बढ़ाया है ना। चलो अगर आप पहले वाला डिफरेंस भी लेते हैं, मतलब रामा का 6 होता स्कोर और अंजलि का 44 माइनस 6 38 होता, तो डिफरेंस तो फिर भी कितना रहना था, 32। लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन होता तो फिर उसमें दिया होता कि पहले वाला डिफरेंस निकालना है या बाद वाला डिफरेंस निकालना है, जिसमें इंक्रीज बराबर ना होता, 6-6 या कुछ भी और भी इक्वल इंक्रीज ना होता, फिर दिया होता कि कौन सा डिफरेंस निकालना है। ठीक है जी, तो जैसा कि मेरी स्टूडेंट से बात हुई थी, इस बार ये कैट 2019 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है जी, आ गया आपको सबको अच्छे से समझ। अब थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आइए, ये क्वेश्चन SBI PO, IBPS PO बहुत जगह पे आ चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL में भी मिलता जुलता एक आ चुका है, तो आइए इसको समझते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, इस तरह का मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, तो स्पेशल एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ए रेशो बी प्लस सी प्लस डी, देखते ही पता लग रहा है आपको 1:2 है, क्योंकि हमें दिया हुआ ना ए आधा है बी प्लस सी प्लस डी का, तो मैं डायरेक्ट ए रेशो लिख रहा हूँ। ए रेशो बी प्लस सी प्लस डी कितना, 1:2। अब बी रेशो ए प्लस सी प्लस डी, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1:3, क्योंकि बी बाकियों का 1/3 है ना, और सी रेशो ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन में ठीक कर लीजिए, यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, सी रेशो ए प्लस बी प्लस डी, ये है आपके पास 1:4, और हमें निकालना है डी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई ऑफ, ये हम निकालते हैं। तो पहले आप ये सोचिए, अगर आप एक सिंगल रेशो निकालना चाहते हो ए बी सी डी का, तो उनका सम तो हमें सेम रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे ए और बी का, ए और बाकियों का सम जो आ रहा है, ए और बी सी डी का जो सम आ रहा है वो 3 units आ रहा है, और यहाँ पे बी और बाकियों का जो सम आ रहा है 1 और 3 4 आ रहा है ना, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 units है, यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी प्लस डी 5 units है। अगर आप एक सिंगल रेशो निकालना चाहते हो तो इन सब का सम बराबर करना पड़ेगा, वो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, तो इसको 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 20 से हुआ तो ये 1 भी 20 से हुआ, ये 2 20 से हुआ, 40 हो गया, यानी कि 60 में से ए 20 आ गया, हमें ये मालूम हो गया। अब बी निकालते हैं, आइए ये 4 को 60 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आपने 15 से किया तो 15 एकम 15 और 15 3 45 हो गया, ठीक है, तो बी हमें 15 पता लग गया। सेम लॉजिक से अब बताइए, इस रेशियो में टोटल सम 5 है, 60 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये 12 से हुआ तो रेशियो का एक एक एलिमेंट भी, 12 एकम 12 12 4 48, तो सी मुझे पता लग गया 12। अब डी 60 में से बचा हुआ ही होगा, 20 और 15 35 है, 35 और 12 47 है, तो डी बच्चों बचा हुआ कितना आया, 13 आया। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, डी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि डी रेशो ए प्लस बी प्लस सी अगर एक्स बाय वाई है तो मुझे एक्स बाय वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो डी कितना आया हमारे पास, 13 आया, और बाकी तीनों का सम 60 में से डी 13 तो बाकी तीनों तो 47 हो गए ना, तो कहने का मतलब डी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई का मतलब 13/47 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 13/47 है। आई होप आपको ये चारों एडवांस क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, तो ये हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो हमें ये अच्छे से आने चाहिए। इसको आप बार बार देखिए, जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता मुझे दोबारा भेज दीजिए कि सर हमें ये समझ नहीं आया, हमें दोबारा समझाओ। मेरा जो नंबर है 9813-6462-68 है, और जो हमारे कुछ फेसबुक पेज भी हैं, मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज, बजाज कोचिंग सेंटर, उनको भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।